स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो पवित्र शास्त्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी सहायता करता है और इन वचनों के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कष्ट सहना। आज 10वें पाठ से हम इस विषय पर की श्रृंखला को समाप्त करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने जो पाठ सीखे हैं वे इस शीर्षक पर रहे हैं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। पहला पाठ था डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग्स, सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। प्रियो, जीवन में आने वाले सभी कष्ट पाप की वजह से या शैतान की वजह से ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हम अपने शरीर पर इतना ज्यादा बोझ डाल लेते हैं, इतनी अधिक मेहनत करते हैं हमारी क्षमता के बाहर कि थकान के मारे शरीर चूर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। कई बार यह भी संभव है कि वृद्धावस्था की जो कमजोरी होती है उसकी वजह से भी हम बिस्तर पर पड़े हैं या बीमार हैं। और यदि हमारी बीमारी का कारण शैतान हो भी, जैसे कि पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, तब भी हम शैतान को कोसे नहीं, उसको भुला भरा झिड़कने की जरूरत नहीं है। हम अपना ध्यान केवल परमेश्वर की ओर लगा के रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ, अपने बोलने में उतावली न करें। अय्यूब का जीवन आप जानते हैं, उसकी पीड़ाओं को आप जानते हैं। 42वें अध्याय में ये सारी बातें समाप्त तो हो रही हैं और परमेश्वर उसे आशीषित कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो अपना अंतिम न्याय के शब्द उसको बोल करके बताए सुनाए, उसमें उसने यह कहा है कि मैं इस पीड़ा की अवस्था के दौरान ये सारे समय देखता रहा, सुनता रहा कि अय्यूब क्या क्या बोलता है। मतलब हम अपने पीड़ा की अवस्था में जो भी कुछ बोलते हैं परमेश्वर उन बातों को सुनता है, और इसीलिए हमें ऐसे समय में ज्यादा ध्यान देना है कि हम उतावली में कुछ गलत ना बोलें। तीसरा पार्ट था डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक, यह ना समझें कि आपकी समस्या दूसरों की समस्या से एकदम भिन्न है। प्रियो, अधिकांश बार तो हम यह पाते हैं कि हमारी समस्या से बड़ी औरों की समस्या होती है। हम भी कष्ट से जा रहे हैं लेकिन वो जो दूसरा कष्ट से जा रहा है वो बड़े भयानक पीड़ा में से गुजर के आगे बढ़ रहा है, उसकी हालत हमसे ज्यादा बदतर है। और इसीलिए यह पाठ में हमने सीखा कि आत्मदया की भाव से हमको भर करके धस नहीं जाना है, परंतु ऐसी समय में हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा पाठ था डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल, लोगों के बर्ताव से चिढ़ मत जाइएगा। हां प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जब हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, जब हम कष्ट से गुजर रहे हैं, तब परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करने वालों को हमसे थोड़ा दूर कर देता है। हमारे परिवारजनों को कहिए या मित्र मंडली को कहिए, थोड़ा दूर चले जाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से ही होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे, केवल परमेश्वर पर ही हमारी निर्भरता रहे। इसी के लिए वो इस तरीके से करता है। और साथ ही ऐसी अवस्था में लोग कभी कभी हमें कुछ भला बुरा कह देते हैं, तो ध्यान रहे कि उनकी बातों के कारण या दोष लगाने के कारण हम निंदा न करें, और बेहतर यह होगा कि खामोश रहें, चुप रहें, उनकी बातों पर ध्यान न दें। पांचवा पाठ था डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर, एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे भागते न रहें। प्रियो, जिस व्यक्ति पर परेशानी आई है, विपत्ति आई है, बीमारी आई है, बाइबल सिखाती है सबसे पहले वो खुद अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर से दुआ मांगे। साथ ही यह भी सलाह
कि दूसरों से जाके पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, बहुत सारे लोगों से जब हम अपनी पीड़ा के समय में सलाह मांगते हैं तो बहुत सारी सलाहें हमको उल्टा भ्रमित कर देती हैं। और तीसरी बात यह भी देखा था कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने का कोई मतलब नहीं, हमारी सहायता तो यहोवा की ओर से आती है, परम सहायता जो है वो हमें परमेश्वर ही दे रहा है जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। छठवा पाठ था, डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट डिलीवरेंस ऑलवेज, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। प्रियो, हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां तब तक बनी रहती है जब तक कि परमेश्वर जो पाठ हमको सिखाना चाहता है वो हम अच्छी तरह से ना समझ ले, तब तक हमको उसमें से निकलना पड़ता है। और इस दौरान हमने एकांत के नियम और अंधकार के नियम को भी देखा था, उसे भी आप याद रखिएगा। सातवां पाठ था, डू नॉट फॉरगेट गॉड्स हेल्प इन द पास्ट, बीते दिनों में परमेश्वर ने की सहायता को न भूले। बाइबल कहती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे जीवन के, हमारे पितरों के जीवन के, हमारे बाप दादाओं के जीवन के सारे उपकारों को हमें स्मरण करना है। और 103वें अध्याय में हमने यह भी देखा था कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है और हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमारे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। कहने का मतलब, उसने हमें शारीरिक आशीषें दी है, आत्मिक आशीषें दी है, भावनात्मक आशीषें दी है, ऐसे करके लंबी सूची है और एक भी बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, विशेष करके जब हम पर ताड़ना पड़ी हो या परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़का हो, उस समय भी परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे लें। आठवां पाठ जो हमने सीखा था वो था, डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दे। प्रियो, साधारणता यह देखा गया है कि जब हम कष्ट से जा रहे होते हैं उन दिनों में हम बाइबल पर मनन करना कम कर देते हैं, फीका पड़ने लगता है हमारे स्तुति का जीवन, परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे घुटने थोड़े से कमजोर मालूम होते हैं, यहां तक कि हमारी सेवकाई में भी वो बात नहीं रहती है जो पहले थी। जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो हम दूसरों की सेवा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, लेकिन इस पाठ में हमने सीखा था कि इन्हीं आत्मिक अभ्यासों में हमें लगे रहना है, चाहे हम पीड़ाओं से भी क्यों ना गुजर रहे हो। पिछले सप्ताह हम लोगों ने नौवां पाठ सीखा था, डू नॉट मिसकोट बाइबल प्रोमिसेस, बाइबल की प्रतिज्ञाओं का गलत उद्धरण न करें। प्रियो, परमेश्वर के वचनों की प्रयोज्यता पर हमको ध्यान देना है, परमेश्वर ने जो हमको प्रतिज्ञाएं दी हैं उसकी उपयुक्तता को स्मरण रखिएगा, किस संदर्भ में बोला जाता है वो बातों को ध्यान से पकड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ वायदे जो हम बाइबल में पढ़ते हैं खास मौकों के लिए और खास लोगों को दिए थे, तो उन्हें हम छीन करके अपने ऊपर नहीं अपना सकते हैं। तो नौ पाठों में इस प्रकार से अब तक देखा हमने और आज हम लोग दसवां पाठ सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी लेसन नंबर 10 अंडर हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट वेस्ट योर सॉरोस, अपनी पीड़ा को व्यर्थ न होने दें। मैं इसे दोहराता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 10, डू नॉट वेस्ट योर सॉरोज, दसवां पाठ है, अपनी पीड़ा को व्यर्थ न जाने दें। प्रियो, वास्तव में हमारे जो आंसू होते हैं, आंखों से जो ये मोती टपकती हैं, ये आशीष होती हैं, ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई हमें एक बहुत बड़ी आशीष है और मेरा आग्रह है कि आप परमेश्वर को इनके लिए धन्यवाद दिया करो,
क्योंकि जब जब आंखों से आंसू बहे मैंने ये पाया कि मैं प्रभु के और ज्यादा करीब आ जाता हूं, या यूं कहिए परमेश्वर मुझको ज्यादा स्पष्ट दिखने लगता है, या यूं कहिए कि उन आंसुओं ने मेरे आंखों को धो दिया। आंसू हमारी आंखों को धो देते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग को स्पष्ट देख सकें, उसको सामने देख सकें। इस प्रकार से जिस प्रकार से बारिश हो जाने के बाद वातावरण में पानी की बूंदें जो अटकी रहती हैं, उनमें से सूर्य की सफेद रोशनी जब पार होती है तो सात रंगों में बिखर जाती है और वो सतरंगी धनुष बड़ा प्यारा लगता है देखने में। उसी प्रकार से हमारी पीड़ा में, हमारे कष्ट में जब हम आंसुओं को बहाते हैं और परमेश्वर को देखते हैं तो वो रंग बिरंगा दिखाई देता है। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम, ये सारा कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और इसीलिए प्रियो, हमको परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, आंसुओं के लिए। मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक और उसके सातवें अध्याय का तीसरा वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। फिर से पढ़ रहा हूं, हंसी से दुख उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। और ऐसा दुख जिसमें हमने आंसू बहाए हो, ये मानो हमें धो रहा है। हम पश्चाताप के साथ प्रभु के करीब आते हैं और लिखा है शोक से मन सुधरता है, मैं तो कहूंगा धुलता है, प्रभु के समीप्य में आते हैं। इसलिए आंसुओं के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। एक बहुत ही रोचक वर्णन हमको भजन संहिता में मिलता है। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 84वां अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। देखिए, ये वचन स्टार्ट होता है, शुरू होता है धन्य मनुष्य को बताते हुए। और कौन सा धन्य वो मनुष्य है? जिसको सियोन की सड़क की सुधी है, जिसको मालूम है कि परमेश्वर कहाँ है और उसकी ओर आगे बढ़ता है। लेकिन आगे लिखा है वो रोने की तराई में होकर के जाता है, वो बाका की खुश्क वादियों से होकर के जाता है, जहां पर रोना है, जहां तकलीफ है, जहां मुसीबत है, और बिना आंसू बहाए उस मार्ग से नहीं चल सकते। उस अंधकार की तराई से होकर के वो जा रहा है, लेकिन बाइबल कहती है वो उसको सोतों का स्थान बना देता है, झरनों का स्थान बना देता है, उसे बराका बना देता है, और वहां पे हरियाली के लिए सारा मौका आ गया है। लिखा है बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उप जाती है। प्रियो, यदि आपके जीवन में आज रोना है, यदि आंसू है, और यदि आप बड़े दुखी अवस्था से जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे जिंदगी में ये तराई से मैं जा रहा हूं, एक ऐसी वादियों से जा रहा हूं जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन आपके आंसू बाइबल कहती है उसको आशीष का स्थान बनाने वाली है। वहां पर तुम उपजाने वाली भूमि बनाने वाले हो, तुम्हारी आंखों के आंसुओं से यह होगा, और तुम बल पर बल प्राप्त करते जाओगे। जो आगे बढ़ रहे हैं, आंसुओं के साथ में भी आगे बढ़ रहे हैं, वे बल पर बल प्राप्त करेंगे, और अंत में क्या होगा? परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाकर के खड़े हो जाएंगे। डू नॉट वेस्ट योर सॉरोज, आज का पाठ यही कह रहा है, अपनी पीड़ा को व्यर्थ मत हो जाने दीजिए। रोते रोते हिम्मत हार के बाइबल बंद करके रख दिया, परमेश्वर के क्रूस की ओर निहारना छोड़ दिया, उसके सिंहासन के करीब जाने की इच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि रो रहे हैं। व्यर्थ मत जाने दीजिए, आपकी यह पीड़ा आपको परमेश्वर के करीब ला रही है, सियोन के करीब लेकर के आ रही है, उसी मार्ग पर ले जा रही है। और लिखा है आशीष पर आशीष आएगी, बल पर बल आएगा, तुम सियोन के सामने खड़े रहोगे और परमेश्वर के मुख के साथ में तुम्हारा मुख आमने सामने होगा। प्रियो, बहुत जरूरी है कि
कि यातनाएं चाहे असहनीय भी क्यों ना हो, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएं। मैं एक उदाहरण के लिए यर्मिया नबी की पुस्तक में आपको लेकर के चलता हूं और उसके 31वें अध्याय में आइएगा और उसके 15, 16 और 17वें वचन में देखिए, यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनाई देता है। यानी जो जी से रो रहा है, दिल से रो रहा है, बिल्कुल बिलक बिलक करके रोना है, और यहां किसी बच्चे का रोना नहीं है परंतु बच्चे के कारण रो रहे हैं और मां बाप रो रहे हैं। और आगे लिखा है राहेल, एक व्यक्ति का नाम वहां पर लिखा है, वो राहेल है जो अपने लड़कों के लिए रो रही है। एक मां है जिसके बच्चों के लिए वो रो रही है और बाइबल कहती है, और वो अपने लड़कों के कारण शांत नहीं हो रही है क्योंकि वे जाते रहे। प्रियो, इस स्थान में एक कत्लेआम हुआ और नगर में मानो सैनिकों ने घुस घुस करके, घर घर में घुस घुस करके जितने भी नन्हे बच्चे थे सबको मार डाला। मां बाप की नजरों के सामने बच्चों का कत्ल हो गया। आपको क्या लगता है कि हम उस मां को शांत करा सकते हैं? बाइबल कहती है अपने लड़कों के लिए रो रही है। पता नहीं, शायद दो बच्चे थे, तीन थे, चार थे, लेकिन अब कोई नहीं रहा। उसकी गोद सुनसान हो गई, उसके हाथ से छीन लिए गए, उसका आंचल अब खाली है और वो रो रही है। इतनी भयानक अवस्था में यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। 16वें वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्या ऐसे दुख की अवस्था में कोई रुक सकता है? लेकिन यहोवा कह रहा है, मत रो, अपने आंसू बहाने से रुक जा। क्यों? क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, थोड़ी देर में मिलेगा, आगे तुझको देने वाला हूं। और लिखा है अंत में आशा पूरी होगी, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। और लिखा है यहोवा की यह वाणी है, मानो उसने अपने हस्ताक्षर उस पे लगा दिया, अपना स्टैंप लगा दिया, मैं बोल रहा हूं ऐसा होगा। रोना बंद कर, तेरा दुख अब तू तेरे आंसुओं को पोंछ करके खड़े हो जा। प्रियो, हमारे जीवन में शायद आप भी इस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, उस दुख को व्यर्थ मत जाने दीजिए। परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर आपसे उस समय में क्या कह रहा है। और जब आप उसकी बात को मानते हैं तो आप देखेंगे कि आप आंसू पोंछ करके उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज का पाठ हमको यही सिखा रहा है कि हमें दुख को व्यर्थ नहीं जाने देने का है, परंतु उसको हमारे जीवन में फलवंत करना है। ये तो पुराने नियम के उदाहरण हुए, मैं तो नए नियम में भी ऐसा ही देखता हूं। मेरे साथ में निकालिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 3रे और 4थे वचन में लिखा है, हम क्लेशों में भी घमंड करें। पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, यातनाओं से गुजर रहे हैं, पर देखिए घमंड करेंगे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यानी क्लेश से शुरुआत हुई, तकलीफ से शुरुआत हुई और अंत में क्या लिखा है, आशा उत्पन्न हो रही है। आशा मतलब आगे की कुछ बात है, भविष्य में कुछ होने वाला है। तो हमारा दुख, हमारा ध्यान हमको भविष्य की ओर लेकर के जाए, प्रभु के आगमन की ओर लेकर के जाए, नए स्वर्ग की ओर लेकर के जाए और उसमें हमारे अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जाए। आज के आपके आंसू आपको कल की खुशियों की याद दिलाना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं याकूब की पत्री में भी पढ़ता हूं, और याकूब की पत्री और उसके 1 अध्याय और 2, 3 और 4थे वचन में मैं इस प्रकार से पाता हूं। वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, अलग अलग तकलीफों में पड़ो, जब तुम अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं से होकर के गुजरते हो, तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम ये जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम संपूर्ण हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अर्थात जब हम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो अंतफल क्या है कि हम सिद्ध हो गए।
अर्थात आज का पाठ जो कह रहा है, अपनी पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज आप जिस परीक्षा से गुजर रहे हैं, आज आप जिस रोने की तराई से होकर के गुजर रहे हैं, वो आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाता है, बशर्ते आप धैर्य के साथ उसमें से आगे बढ़ें, बशर्ते आप परमेश्वर को अपना काम करने दें और उसमें से आगे बढ़ के आप एक फलवंत जीवन की ओर जाते हैं, जो खुद के लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाता है। कुछ सूक्तियां हैं जो आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर एक कठिनाई जो आपके जीवन में आती है, आपके लिए एक नया मौका लेकर के आती है। मनुष्य जब निराश करे तो परमेश्वर उसे ही में आपके लिए आशा को उत्पन्न करता है। ठोकर का पत्थर हमें ऊंचा उठाने वाली चट्टान भी बना देता है। ऐसा पत्थर जिसमें ठोकर लग सकता था, हम उसके ऊपर खड़े होकर के ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई सफलता स्थायी नहीं होती है और कोई हार आखिरी नहीं होती है। एक और है, राह उबड़ खाबड़ हो तो हो परंतु अंत में बहुत शांति होगी। मैंने ये पांचों वाक्य अपने कल्पना शक्ति से नहीं बोले हैं प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए जाते हैं और मैं उनमें से भजन संहिता में आपको लेकर के चलना चाहूंगा। मेरे साथ आप भी खोलिए भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसके 10वें 11वें और 12वें वचन को देखते हैं। यहां पर लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया है, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा है, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिर के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर के गए। ये सारी बातें ऐसी लग रही हैं मानो हमारी जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है, सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं है, और आंसू भरे हैं, आंसू आंसू और आंसू ही हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है तूने जांचा हमको और चांदी के समान ताया, मतलब आग की भट्टी में भी डाल दिया हमको, उसके बाद लिखा है जाल में भी फंसा लिया है, उसके बाद लिखा है भारी वाला बोझ हम पर डाल दिया और घुड़चढ़ों को हमारे सिर पर से गुजरने दिया, आग में डाला, जल में डाला, लेकिन आखिरी में देखिए क्या लिखा है, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। इन सब में से निकाल के तूने हमारे जीवन को सुख से भर दिया है, थोड़ा सा नहीं दिया, भरपूर दिया, लबा लब दिया है, जो बहने वाला होता है, जो उमड़ने वाला होता है, ऐसा सुख हमको दे देता है। आज आपके जीवन में रोना हो रहा होगा, परमेश्वर पर भरोसा रखे, उसके पवित्र वचनों पर भरोसा रखे, उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपको इसमें से निकालना चाहता है। प्रियो, वर्तमान में ये सारे कष्ट की बातें बड़े मुश्किल की लगती है। मेरे साथ में रोमियो की पत्री में आई है, उसके 8वें अध्याय के 18वें वचन में से आपको बताना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। बेशक आप आज अपने जीवन में बहुत रो रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल कहती है कि कुछ है जो हम पर प्रकट होने वाला है, एक महिमा है जो हमारे लिए होने वाली है, और वो कौन सी महिमा है, देखिए 23वें वचन में लिखा है, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जो होते हैं, जो होने वाला है वो हमारी देह का छुटकारा होगा। ये हमारा एक महिमामय शरीर होगा और पलक झपकते ही हम बदलने वाले हैं और अनंत काल में प्रवेश करने वाले हैं। प्रियो, इस बात को स्मरण करते हुए एक और वचन आपको बताना चाहता हूं, दूसरा कुरंथी और उसका 5वां अध्याय और आरंभ के कुछ वचन है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जब पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है पर चिरस्थाई है। इस संसार में जब हम आए हैं तो तंबू सरीखा घर लेके आए हैं, थोड़ा सा समय बिताने के लिए आए हैं, यहां से जाना है, चिरस्थाई भवन है जहां पर, वो हाथों का बना हुआ मंदिर घर नहीं है, परंतु परमेश्वर ने, यीशु ने मेरे और आपके लिए बनाया है वहां जाके, वो आगे होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए प्रियो, अपने पीड़ा के समय में भरोसा रखकर परमेश्वर पे आगे बढ़ना है, अपनी परीक्षाओं में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मैं देखता हूं,
उसने अपने शिष्यों को एक बात कही थी, लूका के 22वें अध्याय और उसके 28वें वचन में देखिए, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, अब देखो मैं तुम्हें सिंहासनों पर बैठाकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करने दूंगा। और ये उस समय कहा था जब उसको मालूम था कि थोड़े समय के बाद ये मेरे को धोखा देने वाले, लेकिन उसके बाद भी अपने शिष्यों के लिए इतना प्यारा शब्द का इस्तेमाल किया, अपने शिष्यों को सराहता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने इनाम रखा है। आज कठिनाई होगी लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सुख को रखता है। यदि आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जीवन देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे का हाथ थाम करके आग की भट्टी में चले गए और वहां पर लिख रहा है ऐसे घूम रहे फिर रहे थे जैसे मानो बाग बगीचे में कोई घूमता हो। क्यों? क्योंकि यीशु उनके साथ आकर के खड़ा हो गया। और जब राजा ने उनको धमकी दिया होगा और कहा होगा मैं भट्टी को 7 गुना भड़काता हूं, तो कोई फर्क नहीं, प्रभु की ओर देख रहे थे, आंसू बहाने को तैयार है क्योंकि भविष्य में एक जीवन है। हे राजा, जान ले कि अगर परमेश्वर हमको ना भी बचाए तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। भट्टी में जाने का स्वीकार कर लिया, लेकिन भट्टी में चलते फिरते और आनंद से घूम रहे फिर रहे थे। प्रियो, यदि हम कष्ट सहते हुए समय बिता रहे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, अपना ध्यान उस पर से हटाने के लिए दूसरे दुखी लोगों के जीवन को संवारने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएं। दूसरा कुरंथी और उसके पहले अध्याय के 3rd और 4th वचन में इसी प्रकार से लिखा है। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। आज दुनिया में आप ही नहीं जो पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, दुनिया में अनेकों लोग हैं। प्रियो, अपने दुख को भूल जाइए, हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। आज संसार में चल करके हम जाएंगे और लोगों के आंसू पोछेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमको यही सेवा दी है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो गीतों में बदल जाएंगे, आपकी जो चिंताएं हैं वो आपकी आराधना बन सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र शास्त्र वचनों के लिए धन्यवाद, आपके सहायता के लिए धन्यवाद कि बीते 10 सप्ताह में हमने सीखा है कि कष्ट कैसे न सहें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस कार्यक्रम के देखने वाले उन लोगों के लिए दुआ मांगता हूं जो आंसुओं में अपना जीवन बिता रहे हैं, जो बड़ी ताड़ना से गुजर रहे हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो आंसू बहाते हुए यातनाओं को सहते हुए प्रभु जी तेरे वचन को थामते हुए आगे चल रहे हैं। तू दया कर प्यारे परमेश्वर पिता, और तेरा अद्भुत विश्वास और तेरी वो आशा कि तू आ रहा है, तू बादलों पर आता है और हमको लेने के लिए आता है कि जहां तू रहता है हम भी तेरे पिता के साथ में वहां पर रहें। हे दयालु प्रभु, तेरे अनंत काल के जीवन के उस वायदे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दें।